को खरीदा जा रहा है, खरीद प्रलोभन दिया जा रहा है, क्या सच्चाई? अब हम लोगों को तो पहले प्रलोभन सबसे पहले हम लोगों को दिया था मनोज चावला जी और हमें, तो हम सब लोग तो कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही हैं, राहुल गांधी और कमलनाथ के सिपाही हैं, कांग्रेस उसके पहले कांग्रेस पार्टी के सिपाही, तो हमारी आस्था कांग्रेस में जिस पंजे से हम जीते हैं, जिसने हमें मान सम्मान दिया, तो वो लोग हमें जो बिकने वाले थे वो चले गए, जो अपनी माँ के साथ जिन लोगों को धोखा करना था, तो हम तो लोग पार्टी में हैं, मरते दम तक पूरे जीवन भर पार्टी में रहेंगे, पार्टी ने मान सम्मान दिया है, पार्टी की सेवा करेंगे और जनसेवा करेंगे पार्टी के माध्यम से। बीजेपी दावा करते हैं, बीजेपी के नेता, कि अभी भी हमारे पास 14-15 विधायक लाइन में लगे हैं कांग्रेस के आने के लिए, क्या सच्चाई लगती है? अब आप तो देख रहे हैं प्रलोभन दे रहे हैं, राजस्थान या मध्य प्रदेश जो करोड़ों रुपये का प्रलोभन दे रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं, बिना चुने हुए लोकतंत्र की हत्या हो रही, बिना चुने हुए लोगों को मंत्री बना रहे हैं, 6 घंटे बाद कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे देते हैं निगम मंडल में, तो आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का पूरा काला चेहरा, जिनकी कथनी और करनी में क्या अंतर है, पूरे देश के सामने आज नहीं तो कल देश को समझ में आएगा। और लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग, एक तरफ जो नैतिकता की बात करने वाले, चरित्र की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूरा असली चेहरा जनता के सामने है। जनता ने जनादेश कांग्रेस को दिया, कमलनाथ जी को दिया, तो उसके बाद भी क्या स्थिति है? तो बिकाऊ लोगों की तो कुछ, जिनकी कोई औकात नहीं है, वो लोग जो बिकते हैं इसमें तो किसी के माथे पे तो लिखा नहीं रहता, जो लोग बिकने वाले हैं। आपने देखा कि इसी भारतीय जनता पार्टी में भी प्रभात झा या अखिलेश विजयवर्गीय जैसे जैसे बड़े नेता है, लेकिन जो अपना जमीर बेच के, जो अपनी मात्र संस्था के साथ धोखा करके सिंधिया जैसे आदमी को राज्यसभा में भेजते हैं, और जो मंत्री गए हैं उनको भी, यहाँ भी बड़े मंत्रिमंडल में थे, तो अब जो लोग बिकने वाले हैं, जिनका कोई ईमान धर्म नहीं होता, वो तो बिकेंगे। वो परंपरा वर्षों से चली आ रही, सदियों से हम आप लोग देख रहे हैं, तो महाभारत तो रामायण काल से देख रहे हैं। ये ऐसा नहीं लगता कि ये